में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम के बाद से प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन मतदाताओं ने बना लिया है अपना मन। निर्दलीय प्रत्याशी आसू सिंह सुरपुरा को मिल रहे हैं अपार समर्थन, उससे हर कोई हैरान दिखता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफा माहौल भी नजर आ रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी आसू सिंह सुरपुरा का जनसंपर्क जोरों पर। आसू सिंह सुरपुरा ने अपने चुनावी यात्रा के दौरान कई गांव भी कर रहे हैं। गुरुवार को आसरपुर में जनसंपर्क आसू सिंह सुरपुरा ने मां आशापुरा का आशीर्वाद लिया। नया मोजा से प्रारंभ होकर यादवों की ढाणी बावरिये के पास से होते हुए डेरी वालों की ढाणी, खातलियों की ढाणी, राम मोहल्ला, वर्मा मोहल्ला, चौक वाले बालाजी मंदिर, रैलर मोहल्ला, तिवाड़ी मोहल्ला जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने राव समाज ने बालाजी के मंदिर से आसू सिंह सुरपुरा का भव्य स्वागत किया। घोड़ी पर बैठाकर उनको भ्रमण करवाया और माला साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इसी दौरान चौक वाले बालाजी मंदिर में कार्यालय पर सुरपुरा को सेवाओं से तोला गया। इसके साथ ही सुरपुरा का तेजाजी चौक में जेसीबी से फूलों की बरसात की गई और सर्व समाज की ओर से 51 मीटर का साफा पहनाया गया। शिक्षा की विशेष नीतियों के कारण युवाओं का भी मिल रहा है पूरा साथ। बराचूक और महिलाओं और विधवाओं का सहारा बने आसू सिंह को मातृशक्ति काफी दे रही है आशीर्वाद। ग्रामीण क्षेत्र में हुई जनसभा में हजारों लोगों ने आसू सिंह को जिताने का संकल्प लिया है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अब तक त्रिकोणीय संघर्ष की बात कही जा रही थी, लेकिन बदले समीकरणों में यहां मामला एक तरफा होता हुआ दिख रहा है। क्षेत्र में जिस प्रकार से सुरपुरा के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है, उसने राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया है। झोटवाड़ा में हो रही साजिशों के बाद भी हर कोई सुरपुरा ही हावी है। यह मुकाबला रोचक हो नहीं बल्कि एक तरफा होता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस से अभिषेक चौधरी, भाजपा से राज्यवर्धन सिंह इस दौड़ में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल राजधानी जयपुर की झोटवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। ऐसे में यह मुकाबला रोचक हो गया है। विरोधी भ्रामक प्रचार तक का सहारा ले रहे हैं। इस तरह के प्रचार में विभिन्न जातियों और वर्गों को अपने पक्ष में समर्थन देने का झूठा दावा किया जा रहा है, लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के हर वर्ग ने सुरपुरा को खुलकर अपना समर्थन दिया है। आसू सिंह सुरपुरा ने कहा कि झोटवाड़ा की पूरी जनता उनकी स्टार प्रचारक है और जनता के दम पर ही जनता के प्रत्याशी के तौर पर इस चुनाव मैदान में है। आसू सिंह ने कहा कि वो पिछले 14 सालों से इस क्षेत्र के जनसेवा के माध्यम से सक्रिय है और आज दिखाएंगे जनता जनार्दन उन्हें अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। सुरपुरा ने लोगों से वादा किया कि विधानसभा पहुंचने के बाद उनकी कलम जनहित के कामों के लिए ही चलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।